नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मी किसी से छुपी नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सितारे भी राजनीति में उतर आए हैं। ऐसे में भोजपुरी के सुपरस्टार कहलाए जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं और आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ के रण में आखिरी वक्त पर निरहुआ को मिला पसंदीदार अमरपाली दुबे का साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अमरपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी सुर्खियां बटोरती देखी जाती है। दरअसल आपको बता दें कि कहा ये जा रहा है कि आजमगढ़ में जहां पर निरहुआ समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जो है मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसे में निरहुआ पूरे जोश के साथ सियासी मैदान पर उतरे। आजमगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। निरहुआ को आजमगढ़ से भारी जीत दिलाने के लिए उनके साथ के कई कलाकार बढ़ चढ़ के भोजपुरी एक्टर के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एक कलाकार आखिरी वक्त में भोजपुरी सुपरस्टार के साथ नजर आई जिसे लोग नोटिस कर रहे हैं, और वो भोजपुरी सुपरस्टार और कोई नहीं अमरपाली दुबे है। जी हाँ, आपको बता दे कि कहा ये जा रहा है कि निरहुआ के लिए जिन भोजपुरी सुपरस्टार ने कैंपेन किया उनमें से भोजपुरी इंडस्ट्री के कई नामी चीन सितारे भी शामिल रहे। भोजपुरी सिनेमा को कवर करने वाले हाल ही में एक मैगजीन की माने तो जो बड़े सितारे निरहुआ का प्रचार करने पहुंचे हैं उनमें खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, विक्रांत सिंह, मनोज टाइगर, संजय पांडे, आदित्य ओझा जैसे नाम शामिल हुए। ये भोजपुरी कलाकार निरहुआ के चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी बने। अमरपाली दुबे और निरहुआ ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में सफलता की घंटी मानी जाती है। वहीं एक दूसरे को वो काफी अच्छे दोस्त भी कहलाए जाते हैं। उनकी बॉन्डिंग कई मौकों पर साफ तौर पर देखी गई। अमरपाली दुबे को तो पहले से ही शादीशुदा निरहुआ की गर्लफ्रेंड तक बता दिया गया था। चाहे कपिल शर्मा का शो हो या फिर कोई भी इवेंट, निरहुआ और अमरपाली जहां पर भी साथ जाते थे लोगों की दिलचस्पी उनमें बढ़ जाती थी। अमरपाली का चुनावी मैदान में निरहुआ के लिए आखिरी मौके पर सपोर्ट करना फैंस के लिए किसी ट्रीट से भी कम नहीं है। जी हां, कहा ये जा रहा है कि आखिरी मौके पर भी अमरपाली दुबे जो है निरहुआ के लिए प्रचार कर रही है। अपने हीरो के कैंपेन में आखिरी दौर पर आजमगढ़ पहुंची अमरपाली दुबे, जहां पर उन्होंने कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री निरहुआ का सपोर्ट कर रही है। हम चाहते हैं कि निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीते। अमरपाली ने भोजपुरी में भी लोगों से निरहुआ को वोट देने की अपील कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार आजमगढ़ की जातीय समीकरण व्यस्त हो चुका है। कलाकार होने के नाते निरहुआ को मुसलमानों का भी सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो गुना गणित और आजमगढ़ के नतीजे जो भी हों, फिलहाल इतना तो माना जा सकता है कि अखिलेश यादव और निरहुआ के बीच आजमगढ़ लोकसभा सीट में जबरदस्त चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से निरहुआ को भोजपुरी इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है, अमरपाली दुबे उनके लिए सपोर्ट कर रही है। हाल ही में कहा यही जा रहा है कि वो आजमगढ़ पहुंची और उन्होंने भोजपुरी भाषा में यहाँ की जनता को कहा है कि वो निरहुआ को ही वोट करें। खैर, नतीजे ही बताएंगे कि क्या सच में इस बारी आजमगढ़ से निरहुआ की जीत होगी, क्या इस बारी आजमगढ़ के सांसद बनेंगे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ।